आज कितने बरसों बाद ब्रश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे दांत तो चमकेंगे ही। कौन है भैया? और सिर्फ भैया नहीं, भाभी और भतीजा भी। भतीजा? मैं हूँ भतीजा, मैंने अभी खाया है पिज्जा। मुझे तो आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। बेटी, ये तुम ही हो ना? हाय। सुन ओगी, हमें शॉपिंग पर जाना है, तो इसका ध्यान रख। तब तक मैं और तेरी भाभी जरा जाकर आते हैं, और तू इसे संभाल। ठीक है भैया, हम लोग शाम तक आते हैं। चल स्वीटी, देर हो रही है, चलते हैं। बाय ओगी, थैंक यू। आप मेरे चाचा हो ना, मैं आपके साथ मस्ती करूं? ओ सॉरी, मैं आपको मुक्का मारूं? इसका हाथ तो भैया की तरह 2.5 किलो का है। चल अब चुपचाप चलकर सो जा, तब तक मैं तेरे लिए खाना लेकर आता हूँ। नहीं, नो खाना, मुझे आपको मार खिलाना है। ये तो बिल्कुल अपने पापा पर गया है, बहुत फोड़ फोड़ करता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरी मजबूरी का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रहा है। मैंने कहा ना, मुझे नहीं सोना अंकल, मुझे नहीं सोना। चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह इस झूले में सो जा, बिना झिक झिक किए, तब तक मैं खाना लेकर आता हूँ। नहीं, मुझे नहीं सोना, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। बिल्लू, बिल्ले का भतीजा। बिल्लू लोग ध्यान से सुनो, ये बिल्ले का भतीजा बहुत काम की चीज है। इसका दिमाग बिल्कुल खाली है। अपन भतीजे के पास जाएगा, उसको उठाएगा और अपन के अड्डे पे लेके आएगा। फिर अपन बिल्ले को बताएगा और मामू से उसके भतीजे के बदले में पैसा लेगा। इन शॉर्ट सर्किट, बिल्ले का भतीजा मतलब पैसा, समझो पंटर लोग। मैं तो बौखला गया बाबा। मामू कहीं का? बीड़ू कोई नहीं है, हल्ला बोल। अरे जरा देर है बोलना रे बाबा। पता नहीं अंकल खाना लेके कब आएगा, मुझे तो बहुत भूख लगी है। अपुन को भी पैसे की भूख लगे लिए मामू, आ जाओ सब लोग। ये चिरकुट लोग कौन है? बीड़ू बोला ना, दिमाग खाली है। मैं इसको मारूं? एक चिरकुट को मार के मजा आया, अब बाकियों को भी मारूंगा, लेकिन अलग स्टाइल से। मैं हूँ भतीजा, मुझसे कोई नहीं जीता। सॉरी भाई लोग, लास्ट टाइम अपनी बैंड बज गई, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होएगा। इस बार अपुन रस्सी से उसको उठाएंगे और उसको स्केटबोर्ड पर बिठा के स्केटिंग कराते भगा के ले जाएंगे। उसके बाद पैसा ही पैसा। क्या ठग रही है? मुझे ऐसा वजन वजन क्यों लग रहा है? तैयारी हो गई है, अब भतीजे को उठा लेना बाबा। अरे मैं अचानक ऊपर क्यों जा रहा हूँ? धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। ये क्या? आजा नीचे। तुम्हारा खाना और चड्डिया मैं ले आया हूँ। अंकल, ये कौन था? कौन नहीं अंकल, मैं हूँ आपका भतीजा, मुझे बचाओ। ये तो भतीजा ही है, डरना मत भतीजे, मैं आ रहा हूँ। आजा भतीजे, बाय बाय कॉकरोच। आगे स्पीड ब्रेकर है, ब्रेक लगाना पड़ेगा, लेकिन ये ब्रेक लगता ही नहीं है। मैं तो गया, लेकिन मैं तो बच गया अंकल। इतनी जल्दी नहीं मामू भतीजे, इसको तो ठीक से उठा ले ना बाबा। रुक जाओ, ये क्या? मुझे बचाओ। अभी बचाता हूँ। अंकल आपने मुझे गिरा दिया। बच गया, अब उसे बचाना है। अंकल मुझे बचाओ। अंकल डरना मत भतीजे, मैं तेरा चाचा आ रहा हूँ। अरे बिल्ले आ रहा है बोलकर तू खुद कहाँ जा रहा है? आहो, आज संडे है, बर्तन धोने का दिन है। आहो, ये कौन आया मेरे घर में? सॉरी बाप, आज संडे है, तुझे धोने का दिन है। मुझे बचाओ प्लीज। अरे थोड़ा वजन है, लेकिन उठा ले रहा बाबा। अरे मैं क्या करूं? हाँ चाकू, मुझे चाकू चाहिए, इस चाकू से मैं बच जाऊंगा। बीड़ू, ये तो अपुन को इस खींचने में। मुझे चाकू चाहिए। ये क्या, गैस चालू कर दिया? आज ये भतीजा जरूर सबकी बैंड बजाएगा। अच्छा है, चाकू चाहिए। पकड़े रहना बीड़ू, छोड़ना नहीं। अरे ये पैसे के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा मालूम नहीं रे बाबा। चाकू चाकू चाकू। वाह क्या बात है, लंगोटधारी बिल्ले के बेटे ने तीनों कॉकरोचों को उठा के अलग अलग जगह पटक दिया। मेरी तो बैंड बच गई। मैं तो बौखला गया रे बाबा, इसने तो मेरी नाक में दम कर दिया। बीड़ू
मुझे चाकू चाहिए, चाकू चाहिए मुझे, चाकू, मैं आ रहा हूँ। ए, 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 मैं आ गया, ए, मैं जा रहा हूँ। इस भतीजे ने मेरी नाक ही कटवा दी। अंकल मुझे बचा लो, अंकल नहीं छोड़ूंगा, अंकल। हे, डरना मत भतीजे, तेरा चाचा तुझे बचाने आ रहा है। नहीं छोड़ूंगा, अंकल पहले मुझे छुड़ाओ। मैं आ रहा हूँ भतीजे। कॉकरोचो, आज तुम्हें पता चलेगा तुमने किससे पंगा लिया है। मैं तो गया, मैं भी आ गया अंकल। रुक जाओ मामू, तू वहाँ क्या कर रहा है? अंकल मुझे बचाओ, अंकल। डोंट वरी, मैं तुझे पकड़ लूंगा, कूद जा। ए, मैं कहाँ हूँ? ए, तू मेरे ऊपर है भतीजे। मतलब मैं बच गया? सब हंस रहे हैं, लेकिन गैस कौन बंद करेगा? हा? जल्दी चल स्वीटी, अपना बच्चा रो रहा होगा। बच्चा नहीं, अब पूरी दुनिया रोएगी। अच्छा है भैया, ये लीजिए आपका बेटा। हाय पापा। ओए हाय मेरे बेटे। थैंक्स ऑगी। मेरे भतीजे का ध्यान रखिए, बाय। मैंने कहा था ना ऑगी के पास रखते हैं, बेटे को कुछ नहीं होगा। हाँ बेटे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे बहुत कुछ हो गया।